stars. Didn't even get to bronze. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टीवी के पॉपुलर और लॉन्ग रनिंग शो कुमकुम भाग्य के बारे में। तो गाइज, कुमकुम भाग्य की शूटिंग जो है वो चल रही है गोवा में इस वक्त, जैसे कि सारे एकता कपूर के शोज़ की शूटिंग वहाँ चल रही है बिकॉज महाराष्ट्र में कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण। तो कुमकुम भाग्य का भी शूट जो है जारी है गोवा में, और जो अभी रिसेंट जो ऑनगोइंग ट्रैक चल रहा है शो में वो तन्नु के आसपास रिवॉल्व करता है। उसने फेक एलिगेशंस लगा दी हैं अभी पे और वो उसको जेल में डलवाना चाहती है, और प्रज्ञा जो है वो उसको इनोसेंट साबित करना चाहती है अपने हस्बैंड को। और उसी तरह का जैसा हमेशा इसका ट्रैक होता है, तो वैसा ही शो वैसा ही ट्रैक चल रहा है फ़िलहाल कुमकुम भाग्य में। तो गाइस, जो अभी का ट्रैक चल रहा है वो तो है, लेकिन मेकर्स इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं बिकॉज कुमकुम भाग्य की टीआरपी जो है वो अच्छी नहीं आ रही। पहले जितनी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है कुमकुम भाग्य की, और मेकर्स लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और एक नई एंट्री करवाने वाले हैं जो कि शो का काफ़ी ज़्यादा जिसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी एंट्री का शो में जो ट्रैक होंगे उस पर। तो रोहित चौधरी जो कि ब्रह्म राक्षस और नागिन 3 जैसे शोज़ का हिस्सा रह चुके हैं वो एंटर कर रहे हैं कुमकुम भाग्य को फिलहाल के लिए। थोड़ी देर बाद जब भी एंटर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो पहले उनका रोल कैसा होगा तो मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव रोल होगा उनका, यानी कि आप विलेन कह सकते हैं उनको। तो लिमिटेड स्टोरीज के लिए होगा या फिर परमानेंट एंट्री होगी ये तो अभी के लिए नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली लिमिटेड होगा। लेकिन जो भी होगा उसकी एंट्री के साथ मेकर्स काफ़ी ज़्यादा शो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएगा उसका करेक्टर जो भी होगा। वो नेगेटिव करेक्टर तो होगा ही, अब भी सिर्फ अभी की लाइफ का बुरा हाल करेगा या फिर अभी और प्रज्ञा दोनों की लाइफ का बुरा हाल करेगा वो फिलहाल के लिए इतनी डिटेल अभी के लिए नहीं है। लेकिन रोहित चौधरी जल्द ही ज्वाइन करेंगे कुमकुम भाग्य को और आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में एज जो मेकर्स हैं इस जो नई स्टोरी लेके आएंगे, उसी ट्रैक में जैसे भी जिस इसको एंटर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ये स्टोरी में लेके आएगा, और जिस करके लोगों को इंटरेस्ट लोगों का बना रहे। कुमकुम भाग्य की जो टीआरपी है वो अच्छी नहीं आ रही पहले जितनी, और मेकर्स अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे कि वो इसकी टीआरपी को पहले जैसी ना कर पाएँ, पहले जैसी अगर ना कर पाएँ तो एटलीस्ट थोड़ी सी तो बढ़ा सकें। और फिलहाल के लिए ये भी जो है वो न्यूज़ वगैरह रूमर्स वगैरह चल रहे हैं कि कुमकुम भाग्य की जो टाइम स्लॉट है वो चेंज हो सकती है बिकॉज जी टीवी जो नए शो हैं उसको प्राइम टाइम स्लॉट देना चाहता है, जो पहले कुमकुम की थी जो कि 9 बजे की टाइम स्लॉट है भाग्य लक्ष्मी को देना चाहता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टीआरपी का खेल है बिकॉज जी टीवी मानता है कि नए शो को एटलीस्ट नए शो की अच्छी टीआरपी आ जाएगी अगर कुमकुम की नहीं आ रही। तो कुमकुम भाग्य को अगर सस्टेन कर रहा है, वैसे तो इतने सालों से चलता आया है लेकिन आजकल टीआरपी काफ़ी घट गई है उसकी, आईपीएल की बात नहीं कर रहा, आईपीएल के इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी घट रही थी उसकी टीआरपी। कुंडली भाग्य स्टिल मेंटेन करता है सस्टेनेबल अपनी अच्छी टीआरपी लेके आता है, लेकिन कुमकुम भाग्य की वैसी टीआरपी नहीं रही पहले जैसी। तो मेकर्स अपना पूरा ट्राई करेंगे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने को, और आपको एंट्री देखने को मिलेगी नए विलेन की नए नेगेटिव रोल में जो कि प्ले करने वाले हैं रोहित चौधरी, आपको अपकमिंग एपिसोड्स में दिख जाएंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है इस नई एंट्री पर, शेयर कर दीजिए कुमकुम भाग्य के फैंस के साथ। लेटेस्ट टीवी शोज न्यूज़ के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मैं जब ऐसे वीडियो डालूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए लेटेस्ट शोज़ न्यूज़ की। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय।